हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षक का इंटरव्यू हो रहा है, तो 9 अक्टूबर के को पूछा गया जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए चलिए देखते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। और यहीं पर सिर्फ योजना आयोग का अध्यक्ष पूछ देता तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पूछा गया, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायतों में कुल सीट का 1/3 मतलब कि 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है, मतलब 33% सीट खाली रहेगी महिलाओं के लिए। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंपाइलर किसे कहते हैं? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, कंपाइलर किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोग्राम जिसे किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है, तो वो कंपाइलर कहलाता है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? WTO का पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है मुख्यालय। और इसमें देखिए और क्या है इम्पोर्टेंट, वर्ष 2008 में इसके सदस्य देशों की संख्या 153 हो गई थी। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है कि भारत भी WTO का एक सदस्य है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं? मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं? ये आपका कॉमर्स से पूछा गया है क्वेश्चन। मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जिसे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, और आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रा को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रा स्फीति हानिकारक होता है। और इसके बाद देखिए, मुद्रा स्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद देखिए विनिमय पूछा गया, विदेशी विनिमय की दर किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये विदेशी विनिमय की दर किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वह ये है कि विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। और एक चीज मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये सब PDF चाहिए जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं, तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो कि मेरे WhatsApp नंबर पर, मैंने इस वीडियो के अंतिम में अपना WhatsApp नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से मेरा WhatsApp नंबर नोट कर लेंगे, और अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए बता देंगे, और जिससे मैं आपको PDF दे दूंगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? और एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? 1966 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय मनीला में है। और इसके बाद जो पूछा गया है वो जननी सुरक्षा के बारे में पूछा गया, जननी सुरक्षा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पहले भी पूछा जा चुका है। और इसमें देखिए जननी सुरक्षा योजना के बारे में बताना है आपको, तो प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना होता है जननी सुरक्षा योजना में। और इसके बाद प्रसव और प्रसव के बाद देखभाल सुविधा के लिए नगद सहायता भी देना होता है इसमें, ये इस योजना में है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, वित्तीय प्रबंधन किसे कहते हैं? वित्तीय प्रबंधन मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है वित्तीय प्रबंधन से आशय धन, वित्तीय प्रबंधन से यह आशय है कि फंड के दक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन है, ताकि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। और इसके बाद देखिए, वित्त प्रबंधन का कार्य संगठन के सबसे ऊपरी प्रबंधकों का विशिष्ट कार्य होता है।
तो ये आपका वित्तीय प्रबंधन हो गया। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा, और सुझाव जरूर दीजिएगा। और इसके बाद देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो वो 1991 ईस्वी में किया गया था, नई औद्योगिक नीति की घोषणा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पूछा गया है, प्रतियोगी की योजना को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाने वाली योजना क्या कहलाती है? तो उस योजना को व्यूह रचना कहते हैं। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पहले भी पूछा जा चुका है, भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, पूंजी ढांचा शब्द क्या का क्या आशय है? तो पूंजी ढांचा शब्द का आशय क्या है? तो इस ये देखिए, इसका अंश पूंजी प्लस संचय और प्लस दीर्घकालीन ऋण होता है, ये तीनों से मिलकर पूंजी ढांचा बना हुआ होता है। आगे चलिए देखते हैं, देखिए ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप से, और सिर्फ पीडीएफ के लिए ही आप लोग बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।